यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, हर कोई आजकल तो नाम से भी पुकारने लग गया अपने अपने पति देव को। वैसे गुप्त नाम रखती है हर पत्नी अपने पति का। आजकल के तो नाम ऐसे ऐसे हैं, कोई रखती है सोना, कोई बाबू, कोई लड्डू, ऐसे। ये सच्ची में कोई टिक्की भी रखने लग गया आजकल तो। जो जिसको जैसा नाम आ जाता है वही रख देती है। पहले नाम नहीं लिया जाता था अपने अपने पति देव को, देवों का। तो मां पार्वती जी ने एक नाम सीता जी को दिया हुआ है राम जी का। क्या नाम है? गुप्त नाम। गुप्त नाम दिया हुआ है मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। राम जी पहले ही कहकर भेजे कि हनुमान यदि तुम्हारी मैया तुम्हें ना पहचाने तो एक बार कहना कि मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूं कि ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं। अब हनुमान जी कहने लगे सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे मैया ने सुना करुणा निधान, फिर बालिक और सुग्रीव की सारी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई। हनुमान जी बैठे हुए हैं मैया के गोद में, लाड दुलार हुआ और हनुमान जी कहते हैं कछुक कछुक दिवस जननी दरुधीरा। कुछ दिन और आप मैया धैर्य रखिएगा, जल्द ही प्रभु वानर सेना के साथ आएंगे और आपको यहां से लेकर के अयोध्या चले जाएंगे। कुछ दिन की बात और है। अब हनुमान जी कितने रूप में है? कितना रूप है हनुमान जी का? छोटा सा। और कह रहे हैं कि मैया मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं, वरना मैं अभी आपको उठा करके ले जाता। अब मैया सोची कि मैं इसको गोद में उठा करके बैठी हूं और ये हनुमान कहता है कि मैं लेकर के चले जाऊंगा। बोले कि तुम्हारे प्रभु राम जी की सेना में सभी तुम्हारे ही साइज के वानर है या कोई तुमसे बड़ा भी है? हनुमान जी बोले कि मैया ये नकली का है, असली का दिखाऊं? मां जानकी जी कहने लगी कि दिखाइए। हनुमान जी गोदी से उतरे, उतर करके जय घोष किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पर्वत के समान एक अटारी खड़ी हो गई हो, एक बड़ा विराट हनुमान जी का स्वरूप खड़ा हो गया। कहने लगे मैया और बताइएगा। अब सीता माता ने कहा कि नहीं बहुत है, नीचे आओ, तुम तो बड़े बलवान हो। हनुमान जी कहने लगे कि मैया सब कुछ है परंतु हम बलवान नहीं। सीता मैया ने कहा कि तुम बलवान नहीं, लो मैं तुम्हें बल और बुद्धि के तुम अपार भंडार होगे, ये तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मां सीता जी ने आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी कहने लगे कि मैया मुझे भूख लगी है और इस वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। मां जानकी जी कहने लगी यहां पर बहुत सारे रखवारे हैं। हनुमान जी बोले कि मैया उसका मुझे डर नहीं, अभी तो आपने मुझे बल और बुद्धि बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, इस बहाने से प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। मां जानकी जी ने कहा ठीक है, रघुनाथ जी का
हृदय में स्मरण करते हुए सुंदर सुंदर फल को खाइएगा। हनुमान जी ने जाकर के अशोक वाटिका में सबसे पहले सुंदर सुंदर फलों को तोड़ा और तोड़ करके खा करके अपने भोग को शांत किया। अब वहां पर रखवारों को छेड़ने के लिए हनुमान जी ने एक फल उठाया और आधा खाया और खाकर फेंक दिया, दूसरा उठाया फिर फेंक दिया। अब रखवारे सोचे एक फेंकेगा, दो फेंकेगा, दस फेंक लेगा। अब हनुमान जी देखे कि इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके बाद हनुमान जी लगे पेड़ के पेड़ को उखाड़ करके फेंकने और ये देख करके रखवारे तोड़े। हनुमान जी ने रखवारों को 50 को इधर से पकड़ा, 50 को इधर से पकड़ा और धरती में कछु मारे कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरी धूरे, कछु जाए पुकारे मरकट आए बलपुर। कछु मार दिए कछु, कछु को कुछ को धूल जो है उसमें रगड़ने लगे, फेशियल करने लगे हनुमान जी। अब दो चार बचे जिस प्रकार से कीर्तन करते हैं, हनुमान जी पांच को इधर पकड़े, पांच को इधर पकड़े और सीताराम सीताराम। अब लास्ट वाले बोले हम लास्ट हैं, लास्ट बोलकर बचे। अब दौड़कर गए हनुमान जी से कहे कि यदि हमें भी मार दोगे तो तुम्हारे बारे में रावण को कौन बताओगा, कौन बताएगा। हनुमान जी बोले अच्छे से बताओगे। अब रखवारे बोले कि फीलिंग के साथ बताएंगे, नो टेंशन, फीलिंग देकर के बताएंगे पर छोड़ दीजिएगा। अब रखवारे गए और जाकर के कहने लगे महाराज। अब रावण बोले कि हाँ बोलो। अब वहां पर रखवारे कहने लगे नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सी फल अरु तोरे नाथ। हे नाथ तुम्हारे सारे अशोक वाटिका जितनी मेंटेनेंस आज तक तुमने करवाई थी वो सब उजाड़ कर एक कपि ने। रावण बोला फिर तुम क्या कर रहे थे वहां पर। रखवारे कहने लगे हम लास्ट बोलकर बचकर के आए हैं। अच्छा रखवारों के बाद सुबट गए, सुबट पहुंचे अपना समूह लेकर के। अब हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं आने दो। देखिए पहले एक एड आती थी मेडिकल की, किस किस ने सुनी है वो एड, आजकल तो हमने सुनी नहीं क्यों, टीवी देखे काफी टाइम हो गया। किस किस ने सुनी है मेडिकल, क्या काम आता है मेडिकल। अब हनुमान जी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जैसे ही सुबट आए अब अपने समूह के साथ, हनुमान जी बड़े प्रेम से पकड़े निकालते थे सभी रखवारों को, पकड़े और बड़े प्रेम से उठाए, उठाकर से सिर से ऊपर लेकर के गए और सीताराम। दोबारा रखवारा उठाया, उठा करके दोबारा सीताराम। अब लगे और लगा करके देखे माताएं जो घर में, आजकल तो वॉशिंग मशीनें आ गई है, पहले पुरुष से कपड़े साफ किए जाते थे। हनुमान जी ने जो अपने शरीर के अंदर जो बाल थे उनको इतना जो सुई होती है उसके समान सभी को खड़ा कर लिया और जो काले काले सुबट के बाद बट आए थे उनको भी रगड़ने लगे हनुमान जी। सीताराम 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 सभी को रगड़ने लगे। उसके बाद रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। अब अंगद जी ने क्या कहा था कि हनुमान जी तुम जा तो रहे हो परंतु मेरा एक कार्य कर देना, वहां पे अक्षय कुमार मिलेगा उसको मार देना। अब दो को पहले बिठा करके हनुमान जी रखे हुए हैं,
परिचय देने के लिए। अब पूछा कि ये कौन आ रहा है। रखो सुब्रतों ने कहा कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार है। अब जैसे परिचय पाया हनुमान जी ने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके उठा करके वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दिया और अक्षय कुमार उस वृक्ष के नीचे दब करके सुबट भागे बट और जा करके कहने लगे महाराज वो कपी वानर ने वो मरकट है। रावण ने कहा मतलब? बोले मारता भी है काटता भी है। बोले कि एक काम करो पीछे से जाना। बोले महाराज सब आइडिया अजमा लिए पीछे से भी गए पीछे से भी मारते हैं आगे वाले को तो पता लग गया परंतु जो पीछे से पूंछ पे बांध के मारता है वो अब भी सैटेलाइट की तरह घूम रहे हैं ऊपर अभी तक नहीं पता। अब उसके बाद मेघनाथ चला। मेघनाथ चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। मेघनाथ के साथ रखवारे। अब मेघनाथ को कहा मारना नहीं उसको बांध करके लेकर के आओ। अब मेघनाथ जो साथ में रखवारे थे भट थे उनसे पूछने लगे कैसे कैसे मारता। सभी ने अपनी अपनी फीलिंग्स बताई कि रगड़ के मारता है पीछे से बांध करके पूंछ से मारता है। अब मेघनाथ ने जैसे ही हनुमान जी को देखा हनुमान जी ने एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर फेंक दिया। अब मेघनाथ को पता था कि अक्षय कुमार कैसे मरा है माया करके आकाश में चला गया। अब हनुमान जी सोचे कि हाँ आइडिया है बुलाने का। जो रखवारे आए थे उनको रगड़ने लगे अपने बालों पर नुकीली नुकीली सुइयों की भांति बाल बना लिए रगड़ने लगे। अब रखवारे चिल्लाए कि हे इंद्रजीत हमें बचा लीजिएगा। अब वो आए जैसे आए हनुमान जी एक वृक्ष पर एक मेघनाथ के सिर पर दिया नीचे गिर गया। अब देखे ऊपर बैठा है हनुमान। मेघनाथ ने क्या किया ब्रह्म अस्त्र हनुमान जी के ऊपर चलाया। देखिए हनुमान जी को वरदान है किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं कर सकता परंतु हनुमान जी को यहां पर रावण से मिलना है एक बार इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र की महिमा बचाने के लिए एवं रावण से मिलने के लिए जैसे ही ब्रह्म अस्त्र देखा उस पेड़ से नीचे गिर गए। ये नहीं कि पृथ्वी पर गिरे जहां पर 20-30 राक्षस गिरे खड़े हुए थे उनके ऊपर गिर गए। गिरते गिरते भी 50 को मार दिए। अब जैसे ही मेघनाथ ने कहा बांध दो इसे बांध कर ले जाने लगे। अब ये बताइए हनुमान जी मूर्छित है उठे हुए हैं। अब इस साइड में काले वाला बांधे हुए इस साइड में पीले वाला पकड़े हुए हैं। आगे आगे मेघनाथ चल रहा है। अब हनुमान जी धीरे से आंख खोले इधर देखे काले वाले को बोले काले बांध लिए पीले बांध लिए। अब वो डर गए रगड़ा हुआ था लास्ट बोल करके बच के भाग कर गए थे। बोले हम नहीं बांधना चाह रहे थे ये मेघनत्वा बंधवाया मेघनत्वा बंधवाया। रोने लगे बोले अब तो नहीं रगड़ोगे ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। रखवारों ने कहा बताइए आज हम सारी शर्त पूरी करेंगे। हनुमान जी बोले कि मैं जो कहूंगा वो बोलोगे ना। रखवारों ने कहा आप इस जगत की जो भी भाषा कहोगे हम वही बोलेंगे। हनुमान जी कहने लगे तो अब मेरे साथ कहिएगा राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम। मेघनाथ ने सुना राम सिया राम जय जय राम पीछे मुड़ा कहा शत्रु का नाम लेते हो
अखबारे बोले कि हम नहीं ले रहे, लिवा रहा है आपके लिए किएगा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। आगे फिर रावण के पास गए, हनुमान जी ने बताया कि मैं राम जी का दूत हूं और अनेकों प्रकार से चेतावनी दी। तो फिर रावण ने कहा कि मार दो इसे वानर को। वहां पर विभीषण जी आते हैं और रावण को कहते हैं कि दूत को मारना हमारा नियम नहीं, हमारी नीति नहीं, तो फिर कोई और दंड दिया जाए। अब हनुमान जी सोचे कि कहीं ये सुपन का की तरह ना कान ना कटवा दे। हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी ने रावण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी पूंछ पीछे से आगे ली और पूंछ आगे लेकर के जैसे ही पूंछ कपी की ममता पूंछ पर, रावण ने कहा कपी की ममता पूंछ पर। अब हनुमान जी सोचे कहीं ये ऑर्डर दे दे कि पूंछ काट ली जाए। हनुमान जी ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की, सरस्वती मैया ने रावण की बुद्धि को पलटा। रावण ने कहा काट दो इसकी पूंछ पर, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब ये रावण अपनी लंका में स्वयं अपने आप ही आग लगवा लेगा। सारी लंका नगरी से तेल घी लाया जाने लगा, हनुमान जी पूछ बढ़ाए, कपड़ा बांधे जाने लगे। हनुमान जी की पूछ में जैसे ही आग लगाए, हनुमान जी जय श्री राम का घोष करके एक अटारी पर चढ़कर अपने 49 मरुत बंधुओं को साथ लेकर के जिस जिस घर से तेल और घी का कपड़े का चंदा आया था, साथ सभी के महलों को जलाया, सभी को प्रसाद बांटे। हनुमान जी केवल एक घर नहीं जलाया, किसका? विभीषण जी का। फिर समुद्र में हनुमान जी ने अपनी पूंछ को की आग को शांत किया और माता सीता जी से चूड़ामणि लेकर के विदा लिए, समुद्र पार किए। समुद्र पार करके फिर जितने कपी को क्या कहा था कि आप लोगों को जाना नहीं, यहां बैठ करके कंद मूल के फल को खाइएगा। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, ऐसे नहीं, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राण
भारत को आजाद करो।